नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन एक सिंबल दिखाया गया है, द फॉलोइंग लोगो डिपिकेट्स विच डिजीज, ये जो लोगो है कौन सी डिजीज को बताता है। तो पहला ऑप्शन है एड्स, सेकंड ऑप्शन आपके सामने डायबिटीज मेलाइटस, थर्ड वन ऑप्शन इज ब्लड प्रेशर, फोर्थ ऑप्शन इज जिका वायरस। तो ये किसको दर्शाता है, तो ये दर्शा, ये आपको पता है कि सी एच ओ के जो सिलेबस है उसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का ये लोगो है। तो आपको बताना है कि कौन से नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का लोगो है, तो राइट आंसर है बी, बी वन इज करेक्ट ऑप्शन, डायबिटीज मेलाइटस। ये जो ब्लू कलर का रिंग है ये डायबिटीज मेलाइटस का लोगो है, डायबिटीज मेलाइटस करेक्ट। नेक्स्ट है आपके सामने दिया गया है, ये कम्युनिटी का क्वेश्चन है, द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू डिपिकेट अवेयरनेस ऑफ विच डिजीज, कौन सी डिजीज के अवेयरनेस के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, कौन सी डिजीज के अवेयरनेस के लिए ये सिंबल यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने डायबिटीज, डायबिटीज का पढ़ने पढ़ लिया, ब्लू कलर का रिंग था। सेकेंड ऑप्शन आपके सामने ब्रेस्ट कैंसर, थर्ड ऑप्शन है सर्वाइकल कैंसर, और फोर्थ ऑप्शन है हाइपरटेंशन। तो राइट आंसर आपका जाएगा इसमें ब्रेस्ट कैंसर, बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये जो पिंक कलर का रिबन है, पिंक कलर का रिबन है, ये किसके लिए यूज करते हैं अपन, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, किसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर के लिए, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए ये यूज किया जाता है। और यदि ये रेड होता, रेड सिंबल होता, तो वो एड्स के लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, एड्स के लिए, रेड कलर का रिबन, रेड रिबन। और ये बट यहाँ पे देखो पिंक दिया हुआ है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, ब्रेस्ट कैंसर। नेक्स्ट आपके सामने इमेज दिया गया है, ये आपको पहचानना है, विच इज द टाइप ऑफ मॉस्किटो सोन बिलो, कि ये किस प्रकार का मच्छर है, आपको ये पहचानना है किस प्रकार का मॉस्किटो है, क्योंकि कम्युनिटी लेवल पे क्या होता है, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये आपको पहचानना है, ये एनोफिलीज है या क्यूलिक्स है या फिर एडीज है, फोर्थ ऑप्शन इज मेन सोनोडीज। तो आपको पहचानना, राइट आंसर इज एनोफिलीज, ए वन इज करेक्ट ऑप्शन। ये आपके सामने जो इमेज है किसका है, ये एनोफिलीज का है, किसका, एनोफिलीज का। ये क्या करती है, मलेरिया करती है, फीमेल एनोफिलीज क्या करती है, मलेरिया करती है। मलेरिया के अंदर एक ड्रग यूज करते हैं जिसका नाम है क्यूनिन, क्या नाम है, क्यूनिन, क्लियर है। ये क्यूनिन ड्रग होती है, ये क्या करती है स्टूडेंट्स, हाइपोग्लाइसीमिया करती है, क्या करती है, हाइपोग्लाइसीमिया। और हाइपोग्लाइसीमिया को प्रिवेंट करने के लिए क्यूनिन के साथ में क्या यूज़ कर, क्या देते हैं पेशेंट को, ग्लूकोज, क्या देते हैं, ग्लूकोज। तो क्यूनिन सल्फेट और ग्लूकोज किसके ट्रीटमेंट में का, किसके मैनेजमेंट के अंदर यूज़ करते हैं, मलेरिया के लिए। और फीमेल एनोफिलीज की वजह से क्या होता है, मलेरिया होता है, करेक्ट। नेक्स्ट आपके सामने इमेज दर्शाया गया है कि पहचानना है विच ऑफ द मॉस्किटो शोन इन द फिगर, इस फिगर के अंदर जो मॉस्किटो है इसको पहचानना है कि ये किसका है। तो पहला ऑप्शन आपके सामने है एनोफिलीज, सेकंड ऑप्शन इज क्यूलिक्स, थर्ड ऑप्शन इज एडीज, एडीज एजप्टी जिसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, फोर्थ ऑप्शन है मेन सोनोडीज। तो ये किसका है स्टूडेंट्स, ये आपका एडीज का है, किसका, एडीज का। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सीज करेक्ट ऑप्शन। देखो इसके अंदर ये वाइट वाइट है ना, ये आपको ये पहचानना है, तो इसलिए इसको बोलते हैं, ये वाइट लाइनिंग है इसलिए इसको टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टाइगर मॉस्किटो, करेक्ट। तो इससे आप पहचान सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि फीमेल एनोफिलीज में क्या डिफरेंस है और एडीज एजप्टी में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो एडीज एजप्टी, तो ये क्या करता है, डेंगू करता है, डेंगू, डेंगू इज कॉज बाई एडीज एजप्टी, जिसको क्या बोला जाता है, टाइगर मॉस्किटो भी बोला जाता है। नेक्स्ट 71 क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आइडेंटिफाई वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, अपन पढ़ते हैं वेक्टर बोन डिजीज, तो ये आपके सामने वेक्टर है, आइडेंटिफाई वेक्टर शोन इन द इमेज, कौन सा ये वेक्टर है, फिलिबोटोमस एजेनेप्टिस, सेकेंड ऑप्शन है एनोफिलीज, थर्ड ऑप्शन है क्यूलिक्स, फोर्थ वन इज एडीज।
इस केस में राइट आंसर क्या जाएगा, C1 इज करेक्ट आंसर दोस्तों। ये किसका इमेज है, कुलेक्स का इमेज है। आपने एडीज का देख लिया, एनोफ्लीज का देखा, और ये क्वेश्चन किसके लिए, क्यूलिक्स का। तो क्यूलिक्स का, क्यूलिक्स जो है वो इस तरह से होता है कुछ, ठीक है। आप ये लंबे लंबे इस तरह से पेयर हैं इसके, क्यूलिक्स के नीचे की तरफ ऊपर की तरफ, तो ये 4 और 5 6 पेयर हैं इसके, ठीक है, 6 लेग्स हैं। तो इससे आपको पहचान लेना है कि ये क्यूलिक्स है। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज में दर्शाया गया है, ये आपको पहचानना है। ये कम्युनिटी लेवल पर काफ़ी यूज लिए जाते हैं स्टूडेंट्स। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ, किसके मेजरमेंट के लिए ये यूज़ में लिया जाता है, ये इंस्ट्रूमेंट जो दर्शाया गया है इमेज के अंदर किसके लिए यूज़ में लिया जाता है आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है हेड सर्कमफेरेंस, क्या हेड के सर्कमफेरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। सेकंड है चेस्ट सर्कमफेरेंस, चेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर मिड आर्म सर्कमफेरेंस, या फिर स्किन फोल्ड थिकनेस। आपको पता है कि हेड सर्कमफेरेंस, चेस्ट सर्कमफेरेंस, मिड आर्म सर्कमफेरेंस, स्किन फोल्ड थिकनेस, ये पीडियाट्रिक के अंदर अपन अच्छे से पढ़ते हैं इसको, जब भी एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट अपन पढ़ते हैं। तो ये राइट आंसर इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, किसका इमेज है ये, स्किन फोल्ड थिकनेस का। तो करेक्ट ऑप्शन इज D1 इज करेक्ट ऑप्शन, स्किन फोल्ड थिकनेस। इस स्किन फोल्ड थिकनेस के लिए ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसका नाम क्या है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, हरपेंडन कैलिपर, हरपेंडन कैलिपर, ये हरपेंडन कैलिपर का इमेज है आपके सामने। और इस हरपेंडन कैलिपर से स्किन फोल्ड थिकनेस चेक की जाती है मोस्टली कहाँ से, ट्राइसेप वाले एरिया से, जो आपके फोरआर्म है वहाँ पे ट्राइसेप पार्ट है वहाँ से इसको चेक किया जाता है, स्किन, स्किन की जो थिकनेस है इसको चेक किया जाता है। यदि ये 6 mm से कम है, 6 mm से कम होता है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं अपन माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन, क्लियर है। यदि ये 10 mm है इट मीन्स पेशेंट माल न्यूट्रिशन नहीं है, पेशेंट नॉर्मल है। पेशेंट नॉर्मल कब मानेंगे, जब आपकी स्किन फोल्ड थिकनेस 10 mm आती है। यदि 6 mm से कम आती है इट मीन्स पेशेंट क्या है, माल न्यूट्रिशन है, ठीक है। तो ये ट्राइसेप वाले एरिया से मोस्ट कॉमनली लिया जाता है, और ये क्या है, हरपेंडन कैलिपर है, क्या है, हरपेंडन कैलिपर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ये इमेज दर्शाया गया है, ये कम्युनिटी लेवल के क्वेश्चन हैं आपके इमेज बेस। द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर, ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये किसके लिए यूज में लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है कूलिंग पावर ऑफ एयर, सेकेंड वन इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, एयर की जो उष्मा होती है एयर के अंदर उसके लिए, सेकेंड है एयर डेंसिटी के लिए, घनत्व के लिए, या फिर एयर के प्रेशर के लिए, दबाव के लिए। तो ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, करेक्ट ऑप्शन इज बी, एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसको पता करने के लिए ये यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। इसको सीलिंग हाइग्रोमीटर भी बोलते हैं, सीलिंग हाइग्रोमीटर, इसको सीलिंग हाइग्रोमीटर बोलते हैं, और ये एयर की जो ह्यूमिडिटी है उसको पता करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज दर्शाया गया है, ये ऐसा ट्यूब जैसा है, ठीक है, ग्लास की ट्यूब जैसा है। आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो, इस इंस्ट्रूमेंट का नाम पता करना है आपको, इसको क्या बोला जाता है। तो पहला ऑप्शन है डायल थर्मामीटर, डायल थर्मामीटर कहाँ पे यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ये ILR, आइस लाइंड जो रेफ्रिजरेटर होता है, ILR, आइस लाइंड रेफ्रिजरेटर, जो जो कि क्या है, एक कोल्ड चेन मेंटेन करने के काम आता है, ठीक है, कहाँ पे, PSC लेवल पे, सब सेंटर PSC लेवल पे, ठीक है, जो लोअर लेवल होता है, तो वहाँ पे डायल थर्मामीटर होता है जो कि इसका टेम्परेचर को बताता है कि ILR का टेम्परेचर कितना है, उसको मेंटेन करने का मदद। नेक्स्ट ऑप्शन है काटा थर्मामीटर, सी इज वेट ग्लोब थर्मामीटर, फोर्थ वन इज 6th थर्मामीटर। तो राइट आंसर क्या होगा इसी केस में, जो इमेज दर्शाया गया है ये किसका इमेज है स्टूडेंट्स, ये काटा थर्मामीटर का इमेज है। कौन सा थर्मामीटर, काटा थर्मोमीटर का इमेज आपके सामने दर्शाया गया है, ये काटा थर्मामीटर है, काटा थर्मामीटर। नेक्स्ट आपके सामने इमेज है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट शोन बिलो, इस इंस्ट्रूमेंट को आपको पहचानना है जो कि कम्युनिटी लेवल पे बहुत ही ज़्यादा यूज में लिया जाता है वेट को चेक करने के लिए,
बच्चे के जो वेट होता है उसको चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है डायल थर्मामीटर, काटा थर्मामीटर, थर्ड ऑप्शन है साल्टर स्केल, फोर्थ ऑप्शन है सिक्स थर्मामीटर। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी वन इज करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन ESICC में आ चुका है, प्रीवियस 2019 के अंदर ESICC के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, साल्टर स्केल। तो साल्टर स्केल किसके लिए यूज किया जाता है, कम्युनिटी लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे जो वेट, कम्युनिटी लेवल पे वेट को चेक करने के लिए, वेट मेजरमेंट के लिए, वेट मेजरमेंट के लिए ये यूज में लिया जाता है। क्लियर है, वेट मेजरमेंट। तो ये साल्टर स्केल है जिसको इस तरह से लटकाया जाता है और बच्चे को इस तरह से उसका वेट चेक किया जाता है। तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा स्केल है, साल्टर स्केल, जो कि वेट के असेसमेंट में काम आता है। नेक्स्ट आपके सामने इमेज है, छोटा बच्चा है जो कि खड़ा हुआ है, ठीक है, ऊपर उसके सामने ऊपर इस तरह से फंटा है। तो क्वेश्चन है हाइट ऑफ इन्फेंट इज मेजर बाई, जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट मतलब एक साल के बच्चे, वन ईयर के जो बच्चे होते हैं तो उनको इन्फेंट बोलते हैं, और उनकी हाइट किससे मेजर की जाती है। पहला ऑप्शन है इन्फेंटोमीटर, सेकंड ऑप्शन है आपके सामने स्टीडियोमीटर, थर्ड वन इज थर्मोमीटर और फोर्थ वन इज काटामीटर। तो आपको पता है ये ना तो थर्मामीटर है ना काटामीटर है, क्योंकि काटामीटर भी अपन ने देख लिया और थर्मामीटर ये है नहीं। तो आपके सामने दो चैलेंज है कि ये इन्फेंटोमीटर है या स्टीडियोमीटर है। तो बेसिकली ये कन्फ्यूज़न अपन दूर कर लेते हैं कि इन्फेंटोमीटर और स्टीडियोमीटर में क्या डिफरेंस है। स्टीडियोमीटर, ये इमेज किसका है स्टूडेंट, ये स्टीडियोमीटर का है, करेक्ट ऑप्शन इसके अंदर बी है। और स्टीडियोमीटर मैं बता दूँ आपको, बच्चा जब दो साल से बड़ा हो जाए, अबाउट टू ईयर, ठीक है, दो साल से बड़ा हो जाता है बच्चा, उसके बाद में यदि आप उसकी क्या नापी जाती है, हाइट नापी जाती है, लेंथ नहीं मेजर की जाती, हाइट मेजर की जाती है, ठीक है। और हाइट मेजर करने के लिए क्या यूज़ करते हैं अपन, स्टीडियोमीटर यूज़ करते हैं, इसको स्टीडियोमीटर बोला जाता है, ठीक है। तो दो साल से बड़े बच्चों के लिए हाइट देखी जाती है और हाइट के लिए स्टीडियोमीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। और यदि बच्चा दो साल से छोटा है, ठीक है, दो साल से छोटा है, बिलो है, बिलो टू ईयर का है, तो उसके अंदर अपन लेंथ देखेंगे, क्या देखेंगे, लेंथ देखेंगे, और वो किसके द्वारा, इन्फेंटोमीटर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है 77 नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर इस तरह से आपको एक दिया गया है, ये भी ऐसा, इसके अंदर मेजरमेंट के लिए कुछ स्ट्रिप्स हैं आपको दिखाई दे रही होगी। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है द लेंथ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज मेजर्ड बाई, जो न्यू बॉर्न होता है उसकी जो लेंथ मेजर करने के लिए क्या यूज करेंगे अपन। पहला ऑप्शन है इन्फेंटोमीटर, सेकंड ऑप्शन है स्टीडियोमीटर, थर्ड वन इज थर्मोमीटर, फोर्थ वन इज काटामीटर। तो राइट आंसर आपको पता है इजीली है कि कौन सा, ये राइट आंसर ए, इन्फेंटोमीटर। ये इन्फेंटोमीटर है स्टूडेंट्स, ये दो साल से छोटे बच्चों के लिए लेंथ चेक करने के काम में आता है। दो साल से बड़े बच्चों की हाइट देखी जाती है और हाइट देखने के लिए अपन स्टीडियोमीटर यूज़ करते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन्फेंटोमीटर स्टीडियोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 78 का नंबर का क्वेश्चन है, जिसके अंदर सर्वारिक्स करके कुछ लिखा हुआ है इस पे, इमेज पे सर्वारिक्स। तो ऑल आर करेक्ट अबाउट द वैक्सीन शोन इन एक्सेप्ट, इस इमेज के अंदर जो भी दिखाया गया इससे रिगार्डिंग, इस इमेज के रिगार्डिंग जो ऑप्शन है वो सही है, एक को छोड़ के कौन सा गलत है आपको ये पहचानना है। तो बाइवेलेंट, जो कि ये सर्वारिक्स क्या होती है, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सर्वारिक्स है, एक तो गार्डासिल होती है, एक सर्वारिक्स होती है, ये वैक्सीन्स हैं, ठीक है, ये वैक्सीन है, सर्वारिक्स वैक्सीन है, ये किसके लिए यूज़ की जाती है, सर्विक्स कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, ठीक है, कि भविष्य में आगे जाके कैंसर, सर्वाइकल कैंसर ना हो, उसके लिए एक दो वैक्सीन आती है, एक तो गार्डासिल होती है, एक सर्वारिक्स वैक्सीन आती है। तो सर्वारिक्स वैक्सीन कैसी होती है, एक बाइवेलेंट वैक्सीन है, ये बिल्कुल सही है, ये एक रिकम्बेंडेंट वैक्सीन है। बट थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, रिकम्बेंडेंट इन ऑल वुमेन एज 25 to 45 ईयर एज,
क्या ये 25 से 45 साल की एज में लगाया जाता है? नो, ये 11 से 18 साल की एज में लगाया जाता है। 11 से 18 साल की एज में, मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज होती है, ठीक है, उस दौरान ये लगाई जाती है, क्लियर है? तो इस एज में लगाया जाता है, बट यहाँ पे लिखा हुआ है 25 से 45 ईयर, ठीक है, 25 to 45 ईयर, तो ये रोंग हो गया। आपको ये पता करना था कि कौन सा रोंग है इनमें से, और इसकी 3 डोजेज लगाई जाती हैं, तो ये भी सही है। तो करेक्ट ऑप्शन इज यहाँ पे जाएगा सी, क्योंकि ये गलत के लिए पूछा है, एक्सेप्ट पूछा है, तो आपका राइट आंसर क्या जाएगा, थर्ड वन इज करेक्ट ऑप्शन, सर्वाइक्स कैंसर के लिए वैक्सीन है। नेक्स्ट है, आपके सामने इमेज दर्शाया गया है, ये इमेज आपको पहचानना है। इमेज किसका है? आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट गिवन इमेज बिलो। इस साइंटिस्ट को आपको पहचानना है जो इस इमेज के अंदर दर्शाया गया है। पहला ऑप्शन है लुइस पाश्चर, सेकंड ऑप्शन है आपके सामने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, थर्ड ऑप्शन है आपके सामने जेम्स लिन, और फोर्थ ऑप्शन है विलियम्स हार्वी। देखो, साइंटिस्ट के रिगार्डिंग हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और CHO में खासकर पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, A1 इज करेक्ट ऑप्शन। ये किसका इमेज है स्टूडेंट्स? लुइस पाश्चर का। और लुइस पाश्चर ने क्या किया था, ट्रम वैक्सीन कोइंड, जो वैक्सीन जो ट्रम है उसको कोइंड किया था, बनाया था, कोइंड ट्रम वैक्सीन। जो अपन पढ़ते हैं कि वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन कब आएगी, कोरोना वैक्सीन कब आएगी, पढ़ते रहते अपन, तो ये जो वैक्सीन जो नाम दिया था ये किसने दिया था, लुइस पाश्चर ने दिया था, ठीक है, लुइस पाश्चर। और जो स्टरलाइजेशन की जो टेक्निक है वो भी किसने बताई थी, लुइस पाश्चर ने। स्टरलाइजेशन और पाश्चराइजेशन जब पढ़ते अपन, स्टरलाइजेशन पाश्चराइजेशन पाश्चराइजेशन, ठीक है, चिकन पॉक्स, कोलेरा, इनके बारे में भी इन्होंने वैक्सीन डिजीज को समझाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, आपके सामने इमेज दिया गया है, पहला ये जो बी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन का निर्माण किया था। ये क्वेश्चन भी आपके आ चुका है एग्जाम्स के अंदर कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, पेनिसिलिन का जो एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन, उसका निर्माण किया था, ठीक है, डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और जेम्स लिन ने क्या किया था, स्कर्वी के बारे में बताया था, जो विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी, ठीक है, उसके बारे में बताया था जेम्स लिन ने। और विलियम्स हार्वे ने सर्कुलेशन के बारे में बताया था, सर्कुलेशन, जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसके बारे में विलियम हार्वे ने बताया था। ये पहले पिछली बार MPCHO में ये क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों। विलियम हार्वे ने क्या किया था, सर्कुलेशन को बताया था कि सर्कुलेशन बॉडी के अंदर किस तरह से होता है, ब्लड का सर्कुलेशन, तो ये MPCHO का जो एग्ज़ाम लगा था उसके अंदर आ चुका है। तो आपके लिए साइंटिस्ट जो इमेज बेस्ड क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ये पहचानना है आपको, आइडेंटिफाई पर्सन शोन बिलो, ये पर्सन जो दर्शाया गया है इस इमेज में उसको आपको पहचानना है। पहला ऑप्शन है लुइस पाश्चर, सेकेंड ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, और थर्ड ऑप्शन है जेम्स लिन, और फोर्थ ऑप्शन है आपके सामने विलियम हार्वी। आपको पहचानना है ये राइट आंसर क्या होगा, एडवर्ड, ये यहाँ पे आपको करेक्ट कर लेना है, ये राइट आंसर इसमें एडवर्ड जेनर है, एडवर्ड जेनर, तो राइट आंसर एडवर्ड जेनर का है। तो एडवर्ड जेनर ने क्या किया था, जो वैक्सीनेशन टर्म दी थी, वैक्सीनेशन, एक तो वैक्सीन है, वैक्सीन किसने दिया, लुइस पाश्चर ने, और वैक्सीनेशन किसने दिया, एडवर्ड जेनर ने। और एडवर्ड जेनर ने ही सबसे पहले जो वैक्सीन बनी थी वो एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, जिसका नाम है स्मॉल पॉक्स। और ये रिसेंट में जो एम्स नॉरसेट का एग्ज़ाम लगा उसके अंदर पूछा गया था कि जो सबसे पहले जो वैक्सीन बना वो स्मॉल पॉक्स को बना, और उसको किसने बनाया, एडवर्ड जेनर ने। तो आपके सामने जो इमेज है ये किसका है, एडवर्ड जेनर का इमेज है, और बाकी सब अपने बात कर ली। नेक्स्ट आपके सामने इमेज में है, ये इमेज पहचानना है, आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट शोन इन द इमेज, ये जो इमेज के अंदर जो साइंटिस्ट दर्शाया गया है ये इमेज किसका है, कौन सा साइंटिस्ट है ये। पहला ऑप्शन है जॉन स्नो, सेकंड वन इज एडवर्ड जेनर, फोर्थ ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और फोर्थ ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, ठीक है। तो आपको बताया, अच्छे से पता होगा ये किसका इमेज है, ये रॉबर्ट कोच का इमेज है, तो राइट आंसर इज डी,
रॉबर्ट कोच ने क्या ये गोल गोल चश्मे लगा रखे हैं गांधी की जैसे, ठीक है, राउंड इसके क्या है स्पेक्स है, चश्मा है, ठीक है, तो आपको पहचान लेना है इस तरह से ये मूंछ है, इस तरह से गोल गोल चश्मा है, तो आपको पहचान लेना है ये क्या है, रॉबर्ट कोच। रॉबर्ट कोच ने क्या दिया था, कोच पोस्टुलेट दिया था, कोच पोस्टुलेट, कोच पोस्टुलेट किसने दिया, ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, रॉबर्ट कोच ने दिया। और रॉबर्ट कोच ने क्या इनको नोबल प्राइज़ भी मिल चुका है मेडिसिन के अंदर, और इन्होंने क्या किया था टीबी के, टीबी का बताया था कि टीबी किसकी वजह से होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की वजह से होता है, ठीक है, इसलिए टीबी के रिगार्डिंग इन्होंने समझाया था, ठीक है। नेक्स्ट आपके सामने इमेज है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन ये कह रहा है आइडेंटिफाई द साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को पहचानना आपको, पहला ऑप्शन है जॉन स्नो, सेकेंड इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, फोर्थ ऑप्शन है जेम्स लिंड, और थर्ड इज जेम्स लिंड, फोर्थ इज विलियम हार्वे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट्स आपका, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें, पहला इसका जो ऑप्शन होगा वो है सी, सी इज करेक्ट ऑप्शन, जेम्स लिंड। ये इमेज किसका है स्टूडेंट्स, जेम्स लिंड का है, और जेम्स लिंड ने स्कर्वी के बारे में बताया था, जो स्कर्वी होती है, ठीक है, किसकी कमी से होती है, विटामिन सी की कमी से, उसके बारे में जेम्स लिंड ने बताया था, उसका ये इमेज है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, इसके अंदर एक क्वेश्चन के बारे में पूछना चाह रहा है, आइडेंटिफाई साइंटिस्ट, इस साइंटिस्ट को आपको पहचानना है, तो ये किसका है, जॉन स्नो, सेकेंड इज जीन मार्टिन चारकोट, थर्ड वन इज जेम्स लिंड, फोर्थ वन इज सैकेट। तो राइट आंसर क्या होगा आपको पता लग गया होगा इजीली, ये जॉन स्नो का इमेज है, किसका, जॉन स्नो। जॉन स्नो ने क्या किया था, ये एक ट्रू एपिडेमोलॉजिस्ट है, एपिडेमोलॉजिस्ट, ये भी क्वेश्चन आता है कि ट्रू एपिडेमोलॉजिस्ट कौन है, तो जॉन स्नो, और इन्होंने क्लोरोफॉर्म जो ईथर है उसके बारे में भी बताया था, क्लोरोफॉर्म ईथर जो अपन यूज़ करते हैं एनेस्थेसिया के अंदर, उसके बारे में भी जॉन स्नो ने बताया था। जॉन स्नो क्या है, ट्रू एपिडेमोलॉजिस्ट है, ठीक है, अपन एपिडेमोलॉजी ट्राइड पढ़ते हैं, जिसके अंदर एजेंट होता है, ठीक है, एजेंट होगा एक तरफ, होस्ट होगा एक तरफ, एनवायरमेंट होगा, तो ये सब किसने बताया था, जॉन स्नो ने बताया था इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट है आपके सामने इमेज है, इस इमेज के अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं, ठीक है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे, आइडेंटिफाई द मेथड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन मेथड, इस इमेज के अंदर जो दर्शाया गया है, तो आपको पहचानना है कौन सा हेल्थ कम्युनिकेशन मेथड यूज़ किया गया है इसके अंदर, इस इमेज के अंदर कौन सा हेल्थ कम्युनिकेशन मेथड है। कम्युनिकेशन पता है आपको, कम्युनिकेशन कम्युनिटी का ही टॉपिक है, कम्युनिकेशन सीईटी का, तो ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन, कौन सा मेथड है ये कम्युनिकेशन हेल्थ कम्युनिकेशन का, ये कौन सा मेथड है, पहला ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन, सेकंड वन इज ग्रुप डिस्कशन, फोर्थ थर्ड वन इज पैनल डिस्कशन, और फोर्थ ऑप्शन इज सिंपोजियम। तो आपको पहचानना है, तो आपका राइट आंसर जाएगा ग्रुप डिस्कशन, देखो ये ग्रुप्स है, ग्रुप डिस्कशन में कितने होते हैं, 2, 4, 6, 8, तो 8 से 10 पर्संस का ये ग्रुप होता है, तो जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन किया जाता है, ठीक है, तो राइट ऑप्शन इज बी, बी इज करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। नेक्स्ट आपके सामने इमेज है, कुछ इमेज बेस्ड